उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। आज अखिलेश, प्रियंका, मायावती, ओवैसी सहित योगी के किस्मत का फैसला होगा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन 58 सीटों का काफी महत्व है। मुस्लिम बहुल होने के कारण अखिलेश का जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसे बहुत उम्मीद है। मायावती को भी उम्मीद है और इस बीच प्रियंका और ओवैसी भी इस मैदान में कूदे हुए हैं। तो वहीं भाजपा हिंदुत्व कार्ड खेलकर इस इलाके में अपना किला बचाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज पहले चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। यूपी की 58 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत पिछले कुछ अरसे से गर्म रही है। हिजाब और भागवा जैसे विवादों के बीच उत्तर प्रदेश की जनता आज जरूरी मुद्दों पर मतदान करती हुई दिख रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण में बीजेपी ज्यादा ताकतवर मानी जा रही है, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी को दो दो सीटें हासिल हुई थी। आज जिन 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है वह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से आते हैं। इन सीटों पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। पहले चरण के मतदान के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 48 जनरल ऑब्जर्वर, 8 पुलिस ऑब्जर्वर समेत 2000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2778 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। आज पहले चरण में कुल 2,28,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,00,000 पुरुष और 1,04,00,000 महिलाओं के साथ साथ 1,448 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। पहले चरण की वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हो रही है। इनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, शामली, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले शामिल हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। मंत्री श्रीकांत शर्मा, संदीप सिंह, अतुल गर्ग, चौधरी लक्ष्मी नारायण, कपिल देव अग्रवाल और सुरेश राणा की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। कोरोना से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने खास एहतियातों के साथ मतदान कराने का फैसला किया है। मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर समेत अन्य चीजें मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन 58 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें मुस्लिम जो वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण न हो, इसके लिए तमाम जो गठबंधन है भाजपा को छोड़कर वो अलग ही रणनीति बनाए हुए थे, लेकिन भाजपा इस इलाके में अपने कट्टरपंथी चेहरे के बदौलत एक बार फिर से इस इलाके से जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। देखना है कि देश में एक तरफ भागवा और हिजाब का मुद्दा गर्म है, उत्तर प्रदेश के इन 58 सीटों के हो रहे वोटिंग में मतदाताओं के सामने कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होता है। क्या वो उत्तर प्रदेश के विकास और जरूरी और बुनियादी मुद्दे पर वोट करते हैं, या फिर देश के अंदर जो राजनीतिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं उस पर 58 सीटों के मतदाता अपना भरोसा जताकर वोट कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण की वोटिंग के बाद यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के वोटरों का मिजाज किस तरफ झुक रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण के वोटिंग में ऐसे कई मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इन सबके ऊपर जो निगाहें हैं सभी राजनीतिक दलों की टिकी हुई है, क्योंकि ये नए वोटर निर्णायक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं
सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट, मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा।